हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। सो ये देखिए, आज मेरी बहन आई है और यहाँ बहुत हवा चल रही है और काफ़ी पतले पतले लोग उड़ रहे हैं हमारे सामने, बट हमको नहीं उड़ा पा रही है हवा क्योंकि हम बहुत मोटे हो चुके हैं। हमारा वेट काफ़ी इतना भी नहीं बढ़ा है, मेरा नहीं बढ़ा है, इनका पता नहीं। उधर चल। आप अभी शादी कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा किया हमने तो शादी में, बल्ले बल्ले खूब डांस किया, खूब खाया। क्या आप वहाँ के वेदर के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? रानीखेत में कैसा मौसम हो रहा है? बहुत मस्त हो रहा है, एकदम। थोड़ी तेज बोलो, आवाज नहीं जा रही आपकी। हाँ, कि 50 घर वाले सुन ले कि हम कुछ बोल रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकल जी कुत्तों को फीड कर रहे हैं, ये आप सभी को करना चाहिए। और हमारे घर में एक बिल्ली आई है जिसका बच्चा हो रखा है, उसको मैं भी फीड कर रही हूँ, मैं भी उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगी। ये देखिए आप, बाय कुत्तोस। और बताइए, शादी थी आपकी देहरादून में? देहरादून में आपकी क्या होता है? आपकी मौसी की, आपकी मौसी की, आपकी शादी क्या होता है? आपकी मौसी की शादी थी देहरादून में। बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया, इतना मजा आया, इतने मजे आए कि बस यार, बस ऐसे मत बनाया करो। चलो ठीक है, अभी हम जा रहे हैं अपनी बहन को घुमाने के लिए। थोड़ा सा ये थक के आई है, इसको और थका रहे हैं। नहीं, मैं नहीं थकी हूँ, मेरे अंदर बहुत स्टैमिना है। ओके, नाइस। और अब आप वापस जा रही हैं सूरत को? हाँ, कैसा कल जा रहे हैं? कैसा फील हो रहा है आपको? मन कर रहा है सूरत को जाने का? जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट जाना पड़ेगा। आपका स्कूल ओपन हो चुका है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ओके, यस। और आप यहाँ हल्द्वानी में यहाँ आई हैं, आपको गरिमा की याद आ रही है? नहीं आ रही है गरिमा दीदी की? आ तो रही है, बट कुछ नहीं कर सकते, दीदी अपने जॉब पर है। हाँ, नहीं कुछ कर सकते हैं, कॉल कर सकती हो तुम। ओके, वीडियो कॉल करते हैं फिर। चलो थोड़ी देर में करेंगे, अभी तो वो बस हो गया, उसमें होगी। और मेरा हाथ जोड़, मेरे बाल आ रहे हैं आँखों में। कोई नहीं, दिखाना चाहिए ना कि हम, हवा कितनी चल रही है कि बाल उड़ भी रहे हैं। हमको एक दूसरे को पकड़ना पड़ रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे लीची के पेड़ और इसमें लाल लाल लीची। रुक जा, ये देखो लाल लाल लीची, वाओ। चोरी भी नहीं कर सकते यहाँ पे, दोनों साइड में कैमरा लगा रखा है। यहाँ पे दोस्तों में आई और इसने मुझसे बोला छापड़ी ले लो। मैंने कहा व्हाट इज दिस छापड़ी? कह रही बास्केट। वहाँ पे मतलब ये गुजराती लैंग्वेज यूज करा, गुजराती नहीं है, नॉर्मल है, दो चार लोग बोल देते हैं छापड़ी। हमने तो नहीं सुना छापड़ी। मुझे गुजराती लैंग्वेज आती है थोड़ी 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 थोड़ी, तो सुना तो कुछ लैंग्वेज मुझे। इसमें क्या सुना, क्या सुना? अरे मतलब कुछ तो बता ताकि मैं भी थोड़ा। और भाइयों बहनों, केम छो, केम छो, कैसे हो? और अब थोड़ा माइंड लोडिंग हो रहा है। हाँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए हैं आइसक्रीम खाने और इसने खा भी लिए, स्टार्ट कर भी लिए खाना। आप कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं? स्ट्रॉबेरी। अपना मुंह देखिए, तो हमारे घर में आए हैं मामा मामी एंड फैमिली और ये है सबसे छोटा भैया, इसका नाम है युवराज। हाय। बड़े होके क्या बनेगा युवराज सिंह? क्रिकेटर। और वो देखो मामी कहाँ बैठी है, उनके लिए चेयर में, वो फिट चेयर में फिट नहीं आ रही है शायद, तब भी नीचे बैठी हुई है। और यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, नहा लिए हैं सबने, ये मामा यहाँ बात कर रहे हैं। चलो अंदर। और दूसरे बहनें कहाँ गई? हमारी बहनें वो देखिए काम कर रही हैं। एक बहन ये है, एक बहन को तो आपने कल भी देखा होगा, ये है, ये यहाँ बर्तन धोने आई है, ये देख सकते हैं आप। आपको इसीलिए बुलाया था यहाँ पे बर्तन धोने के लिए? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, गला साफ कर दे दो ना। बुआ और दीदी की हेल्प करिए। Okay. आज हम जा रहे हैं स्कूल दोबारा एडमिशन लेने के लिए। अब मैं प्ले स्कूल में एडमिशन ले रही हूँ, अब मेरे को ABCD सीखूंगी मैं। और आपको कैसा लग रहा है, मेरा एडमिशन कराने जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अब पढ़ लिख लेगी?
और ये युवराज बैठे हैं पीछे से, युवराज सिंह मारेंगे छक्के चौके। और वो मेरा बच्चा बैठा हुआ है, देखो कैसे बैठा हुआ है सर पकड़ के। और ये ऑलवेज बिजी फोन में रहते हैं, फोटोज क्लिक करवाने जा रहे हैं। नोनू की पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। देखो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे आए हैं लेने के लिए। एडमिशन करवा दिया यहाँ नोनू का डेली पब्लिक स्कूल हल्द्वान जूनियर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्कूल है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से नोनू के लिए एक किट मिला हुआ है। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या किट है इसके, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो सबसे पहले हम निकालते हैं ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल से क्या मिला हुआ है, जस्ट चेक करो। ओ इसमें तो कप है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी जूनियर्स एक छोटा सा कप, छोटा सा तो नहीं है बड़ा है। और क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है पेंसिल। नोनो आप लिखोगे बेटा, आपके लिए तो मैडम ने पेंसिल दे रखी है। ये पेंसिल शॉर्पनर रबर नोनो के लिए, ये आप अपने इसमें स्कूल बैग में ले जाओगे। और क्या मिला हुआ है, अच्छा ये तो फॉर्म्स है एडमिशन फॉर्म। और क्या मिला हुआ है नोनू के किट में, ये क्या है बुकलेट है दिल्ली पब्लिक स्कूल की, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की बुकलेट है। और क्या मिला हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल से, ये मिला हुआ है आपका कैलेंडर। ये कैलेंडर मिला हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल से, और कुछ नहीं है, ये था किट। अब ये लोग जा रहे हैं, ठीक है बाय बाय बाय। अरे वो ओवर ड्रामेटिक आदमी, ये मेरे से भी जाओ कह रही है। ओवर जीते हो बेटा, जीते बाय बाय दीदी, बाय 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 नोनू, बाय। चलो दोस्तों बाय बोलो, मामी बाय बाय। चलो खुश हो, अलग ही ओवर ड्रामेटिक है। बाय, ये देखो यहाँ पे एक बिल्ली आई है, इसने अपना बच्चा उस घड़े के अंदर डाला है और वो मग भी फेंक रखा है वहाँ पे। सो नोनू का एडमिशन हो गया फाइनली, बट कल से समर वेकेशंस पड़ रही हैं बच्चों की एंड स्कूल विल रीओपन। कब होगा ओपन, जुलाई में होगा। सो नोनू जुलाई से स्कूल जाएगी। एंड और आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो स्कूल से रिलेटेड तो आप मुझे पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं स्कूल देख के आई हूँ और काफ़ी अच्छा स्कूल है। स्कूल में का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की टीचर्स, सारी चीज़ें अच्छा है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। सो अच्छा स्कूल है। अगर आप अपने बच्चों को, जो लोग भी जिनके भी बच्चे 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में, अगर वो लोग प्ले स्कूल में, प्ले ग्रुप में डालना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं DPS। और बाकी मैं तो अब जाती रहूँगी वहाँ स्कूल में, तो आप मुझसे कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि नोनू स्कूल जाएगी और क्या क्या सीखती है वहाँ से, वो भी मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊंगी। और यही था आज का व्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।